दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। हमने जो एक सीरीज शुरू करी है और संगीत सीखा, उसमें आपका अपना चैनल द राइजिंग एंटरटेनर्स, मेरे प्रमोटर और मेरा खुद का चैनल बी मनु, भारद्वाज मनु मेरा नाम है। मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम पे है, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और द राइजिंग एंटरटेनर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम रखा है आओ संगीत सीखें। संगीत जो है एक साधना है। गाना गाना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन गाने को गाना इज अ प्रोजेक्ट। समझ वाली बात है, गहरी बात है। गाना तो कोई भी गा लेगा ना, लेकिन गाने को एक्चुअल में गाना, उसको निभाना, ये एक आर्ट है। हमने अपनी पिछली सीरीज में दो एपिसोड करे हैं जिसमें संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसको आगे दो हिस्सों में कैसे बांटा गया, नॉर्दर्न इंडियन और कर्नाटक म्यूज़िक। फिर उसके बाद हमने बात करी नाद क्या है, ताल क्या है, थाट क्या है। मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में आपसे जिक्र किया था, टोटल 10 थाट हैं जिनसे राग बनते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप यहीं से कंटिन्यू करें, वरना एक दफ़ा पीछे वाला जो लास्ट एपिसोड है वो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ये बताया है कि हमने लास्ट जो डिस्कस किया था थाट, 10 थाट होते हैं, मैंने उसमें 10 थाट बताए हैं। थाट के बाद आता है स्वर, राग स्वर। थाट के बाद आता है राग, क्योंकि राग की उत्पत्ति जो है वो थाट से ही होती है, थाट से ही राग बनते हैं। स्वर का जो स्मूह है वो राग कहलाता है। राग सिर्फ मैं, आप या संगीतकार जो है वही यूज नहीं करते हैं, ऋषि मुनि पैगंबर योगी फकीर ये सब राग के द्वारा ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इवन कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी जितने भी शब्द हैं वो सब राग बेस्ड हैं, उनको राग में गाया गया है, लिखा गया है। तो भगवान को मानना या उस तक पहुंचना जो सबसे बढ़िया जरिया है वो है संगीत और राग। राग के कुछ अपने नियम कायदे भी होते हैं, जैसे राग जो है वो सिर्फ थाट से ही बन सकता है, थाट से ही पैदा होता है, और कम से कम राग में 5 स्वर जरूर लगने चाहिए। वैसे तो 7 स्वर सारे गामा पा नहीं सकते, उनकी अलग अलग फॉर्मेशन है, तो उसमें लीस्ट 5 स्वर जो है वो जरूर होने चाहिए, तभी वो राग बनता है। और राग में एक ही स्वर के दो दो रूप जो मैंने पहले पढ़ा है कहीं पे, वो नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे खूबसूरती से लगाए गए हैं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ललित है राग, राग ललित के अलावा शुद्ध सारंग है जिसमें दोनों नी लगते हैं, क्या खूबसूरती से लगे हैं। फिर मियां मल्हार में भी दोनों नी लगते हैं, ललित और सारंग में माँ लगे हैं दोनों, मियां मल्हार में नी लगे हैं दोनों। तो ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जो खूबसूरत लगे। तो राग में एक सबसे अच्छी चीज़, जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे सारे गामा पाधा ले सा, तो कोई भी राग बिना सा के नहीं बनता है, सा लगना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट नियम माँ और पा, इन दोनों स्वरों में से एक स्वर जरूर होना चाहिए राग के अंदर, वरना वो राग नहीं बनेगा। कई दफ़ा राग में 5 स्वर होते हैं, कई दफ़ा 6 स्वर होते हैं, लेकिन माँ और पा में से एक होना बड़ा ज़रूरी है, सा मैंडेटरी है, तो राग बनता है। अब राग में फिर आता है वादी और संवादी। वादी स्वर होना बड़ा ज़रूरी है, संवादी स्वर होना बड़ा ज़रूरी है। वादी स्वर जो होता है वो राग का रूप कहलाता है, उसको बनाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही यूज होता है। मैं आगे बताऊंगा इसके बाद, जो नेक्स्ट अभी मैं बोलने वाला हूँ तो उसके आगे वाला हिस्सा है कि वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, विपरीत स्वर क्या है, अनादिक स्वर क्या है। तो उससे पहले हम ये जान लें ये राग के कुछ नियम हैं। अब राग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संपूर्ण, शाणव
औड़ संपूर्ण बोले तो सात, सारे का मपा धानी से, शाड़ा बोले तो छः, औड़ बोले तो पाँच। जैसे मैंने बोला कि लीस्ट पाँच स्वर होने बड़े जरूरी हैं। अब ये तीन उसके प्रकार हो गए, आगे इसकी जातियाँ बन जाती हैं। थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन, मतलब नाइन जातियाँ, नाइन विभिन्न प्रकार की जातियाँ बन जाती हैं रागों की। जैसे संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाड़व, संपूर्ण औड़व। फिर हमने बोला था शाड़व शाड़व शाड़व, शाड़व संपूर्ण, शाड़व औड़व। फिर आया था औड़व औड़व औड़व, औड़व संपूर्ण, औड़व शाड़व। मतलब संपूर्ण मतलब सात स्वर और शाड़व मतलब छः स्वर, औड़व मतलब पाँच स्वर। तो ये इनकी आगे आगे जातियाँ बन जाती, यानी टोटल तीन तरह के इसके प्रकार हो गए और फिर आगे नौ जातियाँ हो गई इनकी। फिर आता है, अभी जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा वादी स्वर। वादी स्वर क्या होता है? वादी स्वर जो है किसी भी राग में सबसे ज़्यादा जो स्वर यूज होता है, प्रयोग होता है, उसे वादी स्वर कहते हैं। इसको हम राजा स्वर भी कहते हैं। ये उस राग का राजा होता है, सबसे ज़्यादा वो यूज होता है, इसी से राग का रूप बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे कोई राग बड़ा एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, मतलब जैसे ट्विन्स होते हैं, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? उनकी कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखने में सेम लगते हैं। जैसे राग भोपाली और देशकार, दोनों ही जो राग है वो सेम है, औड़व जाति के हैं, सारे गा पा धा सा, दोनों का था भी सेम है, दोनों का रूप रंग चलन। अब चेंज कैसे होता है? अब जैसे गा, गा वादी हो गया तो वो भोपाली हो गया, धा वादी हो गया तो वो देशकार हो गया। सरे गा रे गा पा गा धा पा गा रे धा सा, ये भोपाली हो गया। अगर इसी को मैं गा की जगह धा आगे प्रधान कर दूँ, धा को ज़्यादा ले लूँ, जैसे गा पा धा सा धा, धा पा धा सा रे सा धा, मतलब धा का चलन इसमें ज़्यादा हो गया तो वो देशकार राग बन जाएगा। थोड़ा माफ़ी भी चाहूँगा, स्वर के चक्कर में आज मुझे कोल्ड हुआ हुआ है। तो लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो समझाना ज़रूरी है, आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये होता है वादी स्वर। वादी स्वर फिर आता है समाधि स्वर। अब जैसे उसे राजा बोलते हैं तो समाधि को हम मंत्री, वजीर, प्रधानमंत्री कह लो, वो बोल देते हैं। मतलब वादी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसे संवादी स्वर बोलते हैं। तो इसलिए इसे कह देते हैं कि मंत्री है जी इस राग का। फिर आता है अनुवादी स्वर। मतलब इन दो स्वरों के बाद जो स्वर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसे अनुवादी स्वर बोलते हैं। तो अनुवादी स्वर के बाद आता है विवादी स्वर। विवादी स्वर बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं लोग, इसको मैं बता देता हूँ होता क्या है विवादी स्वर एग्जैक्टली। इसके लिए बहुत सारी अलग धारणाएं हैं। विवादी स्वर यानी कि वैरी स्वर, मतलब जो बिगाड़ पैदा करे, जो राग का भाव ही बदल दे ना, अगर वो बेसुरा लगाया जाए तो वो राग खराब कर देगा, इसलिए उसे विवादी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ संगीतकार इतनी खूबसूरती से उस स्वर को लगा देते हैं कि वो उस राग की खूबसूरती पैदा कर देता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि यमन कल्याण में माँ तीव्र लग रहा है तो कुछ कहीं कहीं माँ प्योर भी शुद्ध भी लगा देते हैं। घर से निकलते ही, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ दूर चलते ही रसते में उसका घर। अब अंतरे में उसने माँ शुद्ध भी लगा दिया है तो वो बड़ा खूबसूरत लगा है, ये जो गज़ल है बहुत खूबसूरत लगी है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि ये विवादी स्वर क्यों बोला जाता है। मैंने अभी बोला कि कुछ स्वर ऐसे हैं जो बिगाड़ देते हैं, मतलब अगर माँ की जगह मैं वहाँ पे कोई और स्वर लगा दूँ जिसका उस राग में जिक्र ही नहीं है कहीं पर, तो वो बिगाड़ देगा, वो विवादी हो जाएगा। अब माँ कोमल कल्याण में लगता है, माँ शुद्ध और माँ तीव्र जो है वो कल्याण थाट में यूज़ होता है, तो मैंने यमन कल्याण में गा के
अब कुछ नया है क्योंकि बहुत अच्छे संगीतकारों ने इसको ऐसे यूज़ किया, तो उसका एक अलग से रूप निखर के बाहर आया है। लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो लिखा ही नहीं गया कि ये इस घर का सदस्य है, तो उसको उस घर में कैसे हम डाल सकते हैं, ये समझना चाहिए कि राग में हम लोग उसकी खूबसूरती बना सकते हैं। स्वर का कोमल या शुद्ध या तीव्र या शुद्ध ऐसा कुछ करके, लेकिन हम उसमें अपनी तरफ से कोई नया शब्द स्वर डाल दें, यानी कि जो जिसका रिक्वायर ही ना हो, तो वो उसको बिगाड़ देगा। फिर आता है आरोह अवरोह, असेंडिंग डिसेंडिंग, सारे गामा पाधा निसा सानी था पामा गारी सा, इसी तरह से हर राग की एक जाति है जो उसको, जैसे संपूर्ण औरम है, संपूर्ण शारम है, ऐसे जाते हुए सात सर आते हुए, मैं समझाता हूँ, ऐसे संपूर्ण संपूर्ण जाते हुए साथ आते हुए साथ, संपूर्ण शारम जाते हुए साथ आते हुए छः, संपूर्ण औरम जाते हुए साथ आते हुए पाँच, शारम शारम दोनों दफा पूरे छः के छः, शारम औरम यानी पहले शारम फिर औरम लिखाया मैंने, बोला है जाते हुए छः आते हुए पाँच, अगर मैं बोलता औरम शारम तो जाते हुए पाँच आते हुए छः, ऐसे ही औरम जाति का जब आता था, मैंने अभी नौ जातियाँ नौ भिन्न भिन्न प्रकार उनके आपको समझाए हैं, सेम चीज़ उनका एंड सेंडिंग डिसेंडिंग में सही ऑर्डर में होना चाहिए, तब जाके राग बनता है। और इजी समझना हो तो अब हम घर बना रहे हैं तो सीढ़ियाँ जो है या हर एक चीज़ जो है उसको तफ्तीश से बिल्कुल सही करीने से ढंग से बनाया जाएगा तो घर बनेगा अच्छा, देखने में भी अच्छा रहेगा, आड़ा तिरछा तो पसंद नहीं आएगा किसी को, भी रह भी नहीं पाएगा। सेम इसी तरह से राग के अंदर होता है कि उसको अगर सही तरतीब से सही तरीके से हम पेश करें, गाएँ, सीखें, तो वो राग की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। अगर उस राग में जो चीज़ ज़रूरी नहीं है मैं डाल दूँ, जैसे शाड़ब शाड़ब राग है लेकिन मैं क्या बोल दूँ नहीं, नहीं तो शाड़ब संपूर्ण कर दूँ मैं उसे, तो वो राग ही चेंज हो जाएगा, और मैं उसी राग को गाता रहूँ तो वो राग आपको सुनने में ही अजीब लगेगा, आप नकार दोगे। सेम चीज़ इसकी सेंडिंग डिसेंडिंग हर राग की उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स बुजुर्ग या हमारे संगीतज्ञ जिन्होंने इसको पिरोया है, जिन्होंने इनको लिखा है, तो उसी तरीके से होना चाहिए। अब आता है उसके बाद पकड़ या मुख्य अंग। हर राग की एक पकड़ होती है जिससे उसका स्वरूप जो है वो स्पष्ट हो जाता है, तो उस पकड़ को हमें पकड़ के रखना है, वो पकड़ को हमने पकड़ के रखना है, तभी वो राग जो है खूबसूरत रहेगा। तो जैसे राग कल्याण है जिसमें नी रे गा रे मा तिम रे मा गा पा मा गा रे नी रे सा, ये राग कल्याण जिसमें इसका चलन मैंने आपको बताया है, मुख अंग बता दिए हैं, पकड़ बता दिया है, यानी आपको कहीं भी ये स्वर इस टोन या ये स्वर ऐसे मिले तो वो आप समझ जाओ कि ये कल्याण है। जैसे भोपाली का मैंने बताया था सा रे गा रे गा पा गा धा पा गा रे धा सा, ये इसकी पकड़ है या इसका ग्रिपिंग है इस राग का। फिर आता है वर्ण। तो स्वर के जो प्रयोग है उसमें दो क्रियाएं वर्ण कहते हैं, दो क्रियाओं को, जो इस प्रकार होती है आरोही वर्ण अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। तो ये आगे आ जाता है वर्ण राग के, मैंने अभी आपको पकड़ बताया है, आरोह अवरोह बताया है, विवादी स्वर बता दिया, अनुवादी बता दिया, कि राग की जातियां कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें आपसे अभी डिस्कस करी हैं। तभी इसके बाद जो है वो है वर्ण, फिर आता है अलंकार, अलंकार के बाद आते हैं आलाप। तो आज हम इतना ही करते हैं, मैं वर्ण पे छोड़ रहा हूँ आपको, कि हम नेक्स्ट एपिसोड वर्ण से चालू करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मैं भी तबीयत से थोड़ा मालूम हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो
इतना ही आज करते हैं, लेकिन जाते हुए जाते एक छोटी सी फिर से रिवीजन मार लेते हैं कि अभी आज हमने क्या किया। हमने राग से शुरू किया क्योंकि इससे पहले वाला एपिसोड हमने थाट पे ख़त्म किया था। तो राग कैसे बनते हैं, राग की जातियाँ क्या होती हैं, राग कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, फिर उसके बाद स्वर क्या है, वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, अनुवादी स्वर क्या है, विवादी स्वर क्या है। तो फिर हमने बात करी आरोह अवरोह की, सेंडिंग डिसेंडिंग की, फिर हमने बात करी उसकी ग्रिपिंग की, पकड़ की, मुख्य अंग की, कि राग कैसे पता चलता है कि ये फलां राग है, उसका मुख्य अंग क्या है, उसकी पकड़ क्या है, चलन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राग का ही हिस्सा है। अभी बहुत कुछ है आगे कि कैसे हम राग को, एक टाइमिंग भी होती है कि कैसे पता चलेगा कि ये राग का समय क्या है। तो वादी स्वर के ऊपर वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अगर सा से पा तक वादी स्वर जो है सा से पा तक आ जाता है तो वो समझ लो उस राग का जो टाइम है वो सुबह 12 से रात के 12 बजे तक का है। और अगर वो माँ से सा तक आता है तो वो रात के 12 बजे से सुबह 12 दोपहर के 12 बजे तक का उसका राग का चलन है। तो उस टाइम के दौरान हम गा सकते हैं। तो वादी संवादी स्वर यानी हर चीज़ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है समझना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा गायक बनने के लिए हमें हर चीज़ समझनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का कहाँ उपयोग होता है और इसका मतलब क्या होता है। संगीत एक साधना है, इसकी साधना करके ही इसको साधा जा सकता है। तो आपके साथ साथ मैं भी कुछ कुछ सीखता रहता हूँ, मैं कुछ नोटेशंस वगैरह बनाता रहता हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूँगा मैं क्या नोट्स बनाता हूँ, आपसे डिस्कस करते हुए, आपसे बात करते हुए साथ साथ मेरा हाथ चलता रहता है ऐसे कि यार ये चीज़ तो मेरी भी रिवाइज हो गई है और मैं भूला बैठा था। क्योंकि 4 दिन आप रियाज ना करो तो आपका गला ख़राब हो जाता है, और कई दफ़ा गला ख़राब होता है तो रियाज नहीं भी करना चाहिए। जैसे मेरा ख़राब है, आज मैं पिछले 2-3 दिन से रियाज नहीं करता हूँ, लेकिन मन के अंदर रियाज चालू रखने का है। क्योंकि ये इसकी पकड़, संगीत की जो पकड़ है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो आप आज इस वाले एपिसोड को ध्यान से देखें, इससे पहले वाले 2 एपिसोड हैं वो रिवाइज करें, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ण अलंकार आलाप और उसके आगे वाले हिस्से का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।